खबरदार में अब हम आपको जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल से आज तक की बंकर रिपोर्टिंग दिखाएंगे। बंकरों का निर्माण कार्य इन दिनों युद्ध स्तर पर जारी है। पिछले साल केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित होने वाले बॉर्डर से सटे गांव में 4000 से अधिक बंकरों के निर्माण कार्य को मंजूरी दी थी। अब जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद इस कार्य में तेजी आई है। अब तक 1200 बंकर बनाए जा चुके हैं, जबकि करीब इतने ही और बंकरों का ढांचा बनकर तैयार हो रहा है। आज तक संवाददाता सुनील भट्ट ने एलओसी के गांव में जाकर इन बंकरों के निर्माण कार्य की गति और क्वालिटी को चेक किया। आज तक की टीम जम्मू के राजौरी के नौशेरा सेक्टर में एलओसी पर बसे एक ऐसे गांव में पहुंची जो अक्सर पाकिस्तानी गोलीबारी के निशाने पर रहता है। जिससे लोगों को बचाने के लिए बंकरों का निर्माण कार्य पूरे जोर शोर से चल रहा था। यहाँ पर जो कार्य है युद्ध स्तर पर चल रहा है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बंकर यहाँ पर निर्माणाधीन है। लगभग ये अपने जो है आखिरी जो पड़ाव पर है, पूरा यहाँ पर बंकर का निर्माण किया गया है और खास तौर पर ध्यान रखा गया है कि बंकर जो है कंक्रीट का बने। आप देख सकते हैं कि पूरी यहाँ पर जो है कंक्रीट का बनाया गया है ये बंकर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तो कार्य शुरू हो चुका था, वहाँ पर कई सारे बंकर भी बन चुके थे, लेकिन यहाँ नियंत्रण रेखा पर बंकर बनाने में काफ़ी मुश्किलें आ रही थी। टेंडर का जो प्रोसेस था काफी समय से लटका हुआ था, लेकिन कुछ ही महीने पहले जितनी भी दिक्कतें आ रही थी उनको ठीक कर दिया गया है और अब बंकरों का काम जो है युद्ध स्तर पर जारी है और कई सारे बंकर जो है आप देख सकते हैं कि लगभग तैयार भी हैं। यह पहली बार है जब नियंत्रण रेखा पर ऐसे बंकर बन रहे हैं जिनका ऐलान मोदी सरकार ने पिछले साल पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए किया था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर 13,029 एकल बंकर और 1,431 सामुदायिक बंकर बनाए जाने हैं। बंकरों के निर्माण के लिए 415 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। अभी तक एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर ऐसे 1200 बंकर बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा 1,131 बंकरों का ढांचा बनकर तैयार हो चुका है। आज तक की टीम ने नौशेरा सेक्टर में एक ऐसे ही सामुदायिक बंकर का मुआयना किया जो बेहद मजबूत और सुरक्षित है। इन बंकरों में एक घर जैसी तमाम सुविधाएं हैं जिसे संकट के समय गांव वाले हासिल कर सकते हैं। एक सामुदायिक बंकर में एक साथ 40 से 50 लोग रह सकते हैं तो एकल बंकर में 8 से 10 लोगों को शरण मिल सकती है। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूं कि वो दिखाए, यहाँ पर देखिए अब बिजली के कनेक्शन भी लगने शुरू हो गए हैं, यहाँ पर पंखे भी लगाए जाएंगे जैसा कि हमारे जो राज्य प्रशासन में सूत्र बता रहे हैं, और जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी जो नए बंकर बनाए गए हैं कंक्रीट के, वहाँ पर भी सुविधा उपलब्ध है। पंखे लगाए गए हैं, बिजली के कनेक्शन लगाए गए हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये स्थान जो है रिक्त रखे गए हैं ताकि यहाँ पर बिजली लगाई जा सके, बिजली के बल्ब के लिए जगह रखी जा सके, फैन लगाए जा सके, तो हर प्रकार की चीज़ का जो है वो ध्यान रखा जा रहा है। जी पहले तो यहाँ बहुत बड़ी हमारे को समस्या आती थी क्योंकि जब फायरिंग आती है तो हमारे को घर मवेशी ये बहुत सब कुछ छोड़ के जहाँ से कैंपों के बीच में जाना पड़ता था। तो जब से ये मोदी सरकार ने ये हमारे को बैंकर दिए हैं तब से हमारे को कोई भी परेशानी नहीं आया। जहाँ बिल्कुल हम अपनी सेफ्टी के साथ, परिवार के साथ, गाँव वासियों के साथ यहाँ पर बड़ी आराम से जहाँ रह सकते हैं। तो पहले जब यहाँ फायरिंग होती थी तो आपको पढ़ाई में कितनी दिक्कतें होती थी? सर बहुत होती थी सर, बहुत चैलेंज होती थी। इधर हमें पढ़ाई की बहुत सुविधा कम थी और हमें गोलों की वजह से सर हमें कि स्कूल से मतलब कि छुट्टियां पड़ जाती थी। अच्छा, हमें पढ़ाई पर काफ़ी बुरा असर पड़ता। हाँ जी, हाँ जी सर। पहले आप अपनी जान कैसे बचाते थे जब फायरिंग होती थी? छप कर ऐसे, कभी किधर कभी किधर, फिर भागे दूसरे गांव में निशाना से आगे। अच्छा, ऐसे सर। यानी कि नौशेरा शहर तक आपको जाना पड़ता? हाँ, अभी बैंकर है सर, अभी कोई कोई कमी नहीं। अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ फायरिंग हुई थी तो उस समय आप यहीं आए थे? इधर ही थे सर। नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरहदी इलाकों में बंकर बनाने की रवायत नई नहीं है। इजराइल जैसे देश अपने मजबूत बंकरों की वजह से नागरिकों को खरोंच तक नहीं लगने देते, लेकिन भारत ने भी अब नागरिकों के लिए बंकरों के जरिए पाकिस्तान की हर शैतानी से निपटने की मजबूत रणनीति बना ली है। बंकर नागरिकों को बचाएंगे तो देश के सैन्य बल अपनी गोलियों से पाकिस्तान की चौकियों को उड़ाएंगे। सुनील जी भट्ट,
नौशेरा सेक्टर राजौरी।